के बीच जारी विध्वंसक युद्ध अब और ज्यादा विनाशक होता जा रहा है। रूस के निशाने पर अभी तक यूक्रेन के शहर थे, लेकिन स्वीडन की सीमा में नजर आए रूसी लड़ाकू विमानों ने महायुद्ध की ओर संकेत दे दिया है। स्वीडन की एयरफोर्स अलर्ट पर है, उसने रूस की हर गतिविधि पर नजर बना रखी है। अमेरिका स्वीडन में रूसी घुसपैठ से भड़का हुआ है। और इस तनातनी के बीच अब रूसी सीमा के पास अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर को उड़ान भरते देखा गया है। यूक्रेन पर अटैक, स्वीडन में घुसपैठ। बाइडेन भड़का, पुतिन उबला। रूसी सीमा के पास नजर आए अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर को बाइडेन की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका भले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में खुद को सुपर पावर वाली पोजीशन में रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किसी भी हालत में पुतिन के गुस्से को भड़काने की गलती नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपने ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण रद्द कर दिया है। पुतिन के गुस्से से डरा अमेरिका, ब्लास्टिक मिसाइल परीक्षण किया रद्द। अमेरिकी वायुसेना ने इस बात की जानकारी दे दी है कि उसने एलजीएम 30 जी मिनुटमैन ट्रिपल आई मिसाइल परीक्षण को रद्द कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना विभाग ने एलजीएम 30 जी मिनुटमैन ट्रिपल आई मिसाइल का नियमित रूप से नियोजित परीक्षण को रद्द कर दिया है और अब हम जिस ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण इस साल के अंत में करेंगे। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के दौरान रूस के साथ गलत जानकारियों के प्रसार से बचने के लिए एहतियात के तौर पर परीक्षण को रोक दिया है। अमेरिका के इस बयान ने साफ कर दिया कि बाइडेन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहते कि उनके किसी भी कदम पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा चढ़े। अब वो अमेरिका के किसी भी फैसले को कारण बताकर यूक्रेन पर महाविनाशक वार करें। जेलेंस्की चीखा, खौफ में अमेरिका। पुतिन का दम निकाला महाबम। अमेरिका को पूरी आशंका है कि अगर रूस के अस्तित्व पर थोड़ा सा भी खतरा मंडरा है तो पुतिन एटमिक वॉर से परहेज नहीं करेगा। रूस ने 4 बार दी परमाणु धमकी। रूस और यूक्रेन के युद्ध के 37 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 37 दिनों में जब भी अमेरिका या नाटो ने रूसी सेना के खिलाफ हिमाकत करने की कोशिश की तो रूस ने सीधे महाविनाश की धमकी दे दी। रूस अब तक 4 बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। सबसे पहले पुतिन ने न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को अलर्ट किया था। दूसरी बार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया। फिर तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने परमाणु बमों का जिक्र किया। चौथी बार रूस की तरफ से यह बयान आया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा। इस बीच
अमेरिका ने आशंका जताई है कि यूक्रेन पर रूस केमिकल अटैक कर सकता है। ऐसे में यूएस की ओर से यूक्रेन को केमिकल हथियार मुहैया कराए जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस विध्वंसक वार कर रहा तो यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर ने रूस के पश्चिमी शहर बेलगोरोड पर हमला किया है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर पहली बार हवाई हमला कर उसका तेल डिपो उड़ा दिया। बेलगोरोड शहर में 2 MI-24 हेलीकॉप्टर ने यह सैन्य कार्रवाई की थी। फिलहाल जेलेंस्की ने इस कार्रवाई पर चुप्पी साध रखी है। उधर एक बार फिर चीन ने रूसी हमले की निंदा करने से इनकार कर दिया है। ड्रैगन ने यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन पाबंदियों के जरिए समस्याओं को सुलझाने के तरीकों को खारिज करता है। हम एक तरफा प्रतिबंधों का भी विरोध करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से पूरी दुनिया सहमी हुई। हर पल परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका भी डरा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम में आज हम बताने वाले वो फैक्टर जिसके कारण रूस के सामने अमेरिका डरा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पल पल के अपडेट देने के लिए हिंदुस्तान का वॉरियर सुमित चौधरी रूस की हर रणनीति और उसकी चाल को डिकोड करने के लिए मॉस्को से सेंटर पर मौजूद है। जहां से बैठकर पुतिन यूक्रेन में हमले के आदेश दे रहे हैं। सुमित चौधरी वहां है जहां पुतिन का वॉर रूम है। नमस्कार, वंदे मातरम में मैं हूं सुमित चौधरी। मैं समय रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हूं। मैं उस जगह मौजूद हूं जहां पर बैठकर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर युद्ध के सारे आदेश दे रहे हैं। मैं समय वहां पर मौजूद हूं जहां पर बैठकर वो अपने वॉर रूम में बैठकर सारी स्ट्रैटेजीज को तैयार कर रहे हैं। मैं सुमित चौधरी, वॉर जोन से सबसे सटीक और सबसे तेज रिपोर्टिंग ही मेरी पहचान है। मैं हर कहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहा हूं, चाहे वो अमेरिका और अफगानिस्तान का युद्ध हो या फिर काबुल पर कब्जे की लड़ाई। मैं सुमित चौधरी आज आपको वंदे मातरम में बताऊंगा कि कैसे व्लादिमीर पुतिन ने एक पावरफुल और विस्फोटक प्लान बनाया है। वो प्लान जिसको अमेरिका भापते ही अमेरिका की सारी भाप निकल गई है। यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जल, थल और नभ तीनों को एक्टिवेट कर हमले के लिए तैयार कर लिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण को इसी के चलते टाल दिया है। यहां तक कि अपनी मिंट मैन मिसाइल 3 को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देखते रहिए वंदे मातरम। पुतिन का पावर देख यूएस परेशान। बोरिस की बत्ती गुल, बाइडेन हैरान। रूस की शार्क शिकार को तैयार। अब अमेरिका पर होगा सीधा प्रहार। पुतिन के पावर पंच से हिल गई है दुनिया। पुतिन ने बनाया है विस्फोटक प्लान। जल, थल और नभ से हमले की है पूरी तैयारी। बम बरसाने को तैयार है सुखोई 35। अलर्ट पर रखी गई है परमाणु मिसाइल और एटॉमिक तारपीडो भी कर लिए गए हैं तैयार। इन विध्वंसक हथियारों के साथ ही रूस ने ब्रह्मास्त्र निकाला है। ऐसा अस्त्र निकाला है
जिसके नाम से भी दुश्मन कांप जाता है। ब्लैक सी में पुतिन ने ताकत दिखाई, परमाणु हमले का अभ्यास किया, जंगी जहाजों से मिसाइल लॉन्च की प्रैक्टिस की, सबमरीन से मिसाइल दागने की तैयारी की और फाइटर जेट्स को निगरानी पर रखा। इस बात की तस्दीक की कि दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो हमला जोरदार होगा, प्रहार इतना विध्वंसक होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पुतिन ने एक्टिवेट किया परमाणु प्लान, एक वॉर से रूस करेगा दुश्मन का शिकार। पुतिन ने अपने 1500 एटॉमिक बमों को एक्टिव कर दिया है, बम बरसाने वाली मिसाइल अलर्ट मोड पर है। तैयारी ऐसी की गई है कि एक साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों पर हमला किया जा सके और एक ही हमले से दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। पुतिन की पावर से यूएस में खौफ, मिसाइल छोड़कर भागा अमेरिका। पुतिन अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ये बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे और पुतिन की ताकत को देखकर अमेरिका भी सहम गया है। बाइडेन की बत्ती गुल हो गई है, अमेरिका को मौत का डर सता रहा है, इसलिए बाइडेन का मुल्क अब त्राहिमाम करता नजर आ रहा है। अमेरिका ने परमाणु खतरे को टालने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण रद्द कर दिया है। मिनटमैन 3 मिसाइल के परीक्षण को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब इस परीक्षण को साल के अंत में करने की प्लानिंग की जा रही है। अमेरिका पुतिन की पावर देख इतना सहम गया है कि उसने अपनी सेना के फॉरवर्ड प्लान पर भी फिलहाल ब्रेक लगा दिया है और यूरोप में अपनी मिसाइल्स की तैनाती को भी रोक दिया है, पलटवार करने के अपने प्लान पर भी ब्रेक लगा दिया है। अमेरिका ने परमाणु क्रूज मिसाइल का बेड़ा तैयार करने वाली योजना पर ब्रेक लगा दिया है। इस परियोजना में बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जा रही थी और इन मिसाइलों को यूरोप के साथ ही पैसिफिक रीजन में तैनात करने की तैयारी थी। इस योजना का मकसद एटॉमिक अटैक की सूरत में अमेरिका को काउंटर अटैक का बेहतर मौका देना था। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि परमाणु हमले के खतरे से अमेरिका को बचाने के लिए इस योजना को रोक दिया गया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने अचानक योजना को रोकने का प्लान बना लिया। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे घातक अस्त्र को बाहर निकाल लिया है। पुतिन करेगा शार्क से शिकार। शार्क को देख बाइडेन को आया पसीना। पुतिन ने शार्क अटैक करने की तैयारी कर ली है। दुनिया के सबसे विध्वंसक और सबसे बड़ी मिसाइल को हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। ये सबमरीन परमाणु हथियारों से लैस है और पूरी दुनिया इस सबमरीन की जद में है। ये वही शार्क सबमरीन है जिससे अमेरिका को डर लगता है। इस सबमरीन का सामना तो अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन भी नहीं कर सकती। शार्क सबमरीन एक साथ 200 टारगेट पर अचूक निशाना लगा सकती है। इसमें तैनात परमाणु मिसाइलें हिरोशिमा पर हुए हमले से 6 गुना ज्यादा तबाही मचाने में सक्षम हैं। शार्क सबमरीन आर्कटिक से ही अमेरिका के हर शहर को निशाना बना सकती है। शार्क पनडुब्बी पर तैनात R-39 रिफ मिसाइलें 8000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकती है। वो शार्क ही है जिसे देखकर बाइडेन ने अपने परमाणु परीक्षण रोक दिए हैं। अमेरिका रूस को उकसाना नहीं चाहता, बाइडेन नहीं चाहते कि अमेरिका पर एटॉमिक अटैक हो, हालांकि वो अपनी सुरक्षा की तैयारियां कर रहा है। बाइडेन ने अपने मौजूदा न्यूक्लियर बेस को अलर्ट मोड पर रखा है। रूस और यूक्रेन की जंग में तैयारियां
दुनिया की सभी महाशक्तियां कर रही हैं। बाइडेन जानता है कि जैवलिन मिसाइल यूक्रेन भेजकर उन्होंने सोते हुए शेर को जगाने की कोशिश की है, इसलिए वो खतरा कम करने की कोशिश में है। यही वजह है कि अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसा हुआ तो अमेरिका पर परमाणु बम गिरने लगेंगे और एक एटॉमिक मिसाइल चली तो दुनिया का खात्मा भी तय है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे व्लादिमीर पुतिन के 3-लेयर प्लान के, उस प्लान के बारे में जिसमें तबाही के सारे सामान मौजूद हैं, वो प्लान जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। देखते रहिए वंदे मातरम। अब व्लादिमीर पुतिन ने ठान ली है कि वो अब रुकेंगे नहीं, वो अपना बदला लेकर रहेंगे, यानी जेलेंस्की का शिकार कर रहेंगे। दरअसल ना सिर्फ जेलेंस्की बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी अपने बदले को पूरा करेंगे। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपना 3-लेयर प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है, जिसके अंदर सभी घातक परीक्षण या फिर सभी घातक हथियारों का परीक्षण कर लिया गया है, यानी अब सभी लोगों का या फिर सभी दुश्मनों का शिकार किया जाएगा, वो दुश्मन जो लगातार जेलेंस्की को मदद पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए अब व्लादिमीर पुतिन अपने मिशन पर निकल चुके हैं। रूस ने 3-लेयर प्लान बनाया। घातक हमलों से यूक्रेन को डराया। ब्रिटेन यूएस पर पुतिन करेगा अगला वार। जेलेंस्की भी बनेगा पुतिन का शिकार। जेलेंस्की के लिए पुतिन ने बनाया 3-लेयर प्लान। खुखार जनरलों को सौंपी युद्ध की कमान। सबसे खतरनाक इस्कंदर मिसाइलों से लिखी जा रही यूक्रेन की तबाही। यूक्रेन में अब जैवलिन के सामने डट गई है इस्कंदर मिसाइल। रूस और यूक्रेन की जंग अब अमेरिका और रूस की जंग बन चुकी है। इस जंग के बीच खड़ा है जेलेंस्की, जो दो ताकतवर मुल्कों के बीच फंस गया है। रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अमेरिका भी नया प्लान एक्टिवेट कर रहा है। पुतिन के पावर प्लान को देख अमेरिका अब बचाव की रणनीति अपना रहा है, डिफेंसिव पोजीशन लेने जा रहा है। ब्रिटेन भी घबराया हुआ है, तभी तो उसके फाइटर जेट्स दिन रात गश्त कर रहे हैं। रोमानिया की सीमा पर भी ब्रिटिश जेट्स घूम रहे हैं। दोनों मुल्कों को पता है कि पुतिन को छेड़कर उन्होंने गलती कर दी है और यूक्रेन के बाद अगला नंबर ब्रिटेन और अमेरिका का है। इधर यूक्रेन में पुतिन लगातार बड़े हमले कर रहा है, जेलेंस्की के मुल्क को जमींदोज कर रहा है और अपनी ताकत से दुश्मनों को बता रहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन की मदद करने वाले हर मुल्क से हिसाब चुकता किया जाएगा। डोनबास को स्वतंत्र कराने की जंग।
रूस के डोनबास पर फाइनल कब्जे के लिए रशिया ने घातक हमला किया है। रूस चाहता है कि डोनबास को वैसे ही आजाद करा लिया जाए जैसे क्रीमिया को कराया था। इसके साथ ही मारियोपोल पर भी भीषण हमला किया। रूस की मिसाइलों ने कीव और खारकीव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लवीव पर रूस ने रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर दी। पूरे यूक्रेन को लाशों से पाट दिया। किंझल मिसाइल से वार। पुतिन की एक इशारे पर किंझल मिसाइलों ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। गरजते फाइटर जेट से निकलती आग, उगलती मिसाइलों ने जेलेंस्की के हौसले को पस्त कर दिया। किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज से 10 गुना ज्यादा तेज गति से चलती है। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक घातक वार कर सकती है। किंझल मिसाइल 500 किलो टन के परमाणु पेलोड को ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है और किंझल मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। इस्कंदर मिसाइल से प्रहार। सिर्फ किंझल ही वो हथियार नहीं जिसे पुतिन ने अपने शस्त्रागार से निकाला, बल्कि अब पुतिन ने विध्वंसक हथियारों की पूरी खेप बाहर निकाल दी। मिसाइल हो या आधुनिक फाइटर जेट्स, टैंक हो या डिफेंस सिस्टम, पुतिन अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं। हाल ही पुतिन ने इस्कंदर मिसाइल से भी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। इस्कंदर मिसाइल मध्यम दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। 500 किलोमीटर की दूरी तक ये मिसाइल अचूक वार कर सकती है और ये अपने साथ 480 किलो परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। सुखोई SU-35 जेट से हमला। आधुनिक मिसाइलों को चलाने के लिए रूस ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट्स भी जंग के मैदान में भेज दिए हैं। MiG-31 के साथ ही Sukhoi-35 भी यूक्रेन के शहरों पर बॉम्ब बरसा रहे हैं। Sukhoi-35 फाइटर जेट यूक्रेन के शहरों को तहस नहस कर रहे हैं। करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए ये फाइटर जेट दुश्मन को निशाना बनाते हैं। ये फाइटर जेट 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम हैं और कई घातक मिसाइलों से लैस हैं। TU-22M3 से प्रहार। सिर्फ सुखोई 35 ही नहीं, अब पुतिन ने दूसरे बम वर्षकों को भी यूक्रेन भेज दिया है और ये आदेश दे दिया कि यूक्रेनी सेना का कोई भी जवान जिंदा नहीं बचना चाहिए। पुतिन के TU-22M3 फाइटर जेट भी यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। TU-22M3 फाइटर जेट 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की ताकत रखता है। ये विमान परमाणु हमला करने में सक्षम है। 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए ये जेट अचूक वार करता है। ये फाइटर जेट रूस से उड़ान भरकर अमेरिका तक हमला कर सकता है। BMPT-72 टैंक से प्रहार। सिर्फ आसमान से ही नहीं, बल्कि यूक्रेन के शहरों को जमीन से भी निशाना बनाया जा रहा है। रशियन आर्मी को भी नए हथियार दिए गए हैं और आर्टिलरी को सपोर्ट करने के लिए घातक वार करने वाले टैंक भी तैनात किए गए। BMPT-72 टैंक को भी युद्ध में उतारा गया है। ये खतरनाक टैंक दुश्मन पर गोले बरसाने के साथ ही दुश्मन के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को गिराने की ताकत रखता है। इस टैंक पर 130 mm के एटाका 30 मिसाइल लॉन्चर लगे हुए हैं। साथ ही इसमें 30 mm 2A-42 ऑटो तोप भी लगी हुई है। इसके अलावा इस टैंक पर 30 mm G-17 ग्रेनेड लॉन्चर और एक मशीन गन भी लगी हुई है। टैंक के साथ ही रूस ने अपनी सबसे घातक तोप को भी युद्ध के मैदान में भेज दिया है। परमाणु बॉम्ब दागने की ताकत रखने वाली ये तोप दुश्मनों का काल बन रही है। 2S-7 पायन तोप दुश्मनों को मौत के घाट उतार रही है। 2S-7
37 पायन तोप परमाणु बॉम्ब दागने की ताकत रखती है। ये तोप 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु बॉम्ब से हमला कर सकती है। यही कारण है कि इस तोप को दुनिया की सबसे विध्वंसक तोप माना जाता है। यानी पुतिन अब पूरी तैयारी कर चुके हैं कि जेलेंस्की को खत्म कर देना है, उसकी सेना को पूरी तरह तहस नहस कर डालना है। नए नए आधुनिक हथियार भी फ्रंट पर भेजे जा रहे हैं, जिन्हें देखकर नाटो और अमेरिका घबरा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की को तबाह करने की ठान रखी है और वो इस मिशन पर निकल भी गए हैं, लेकिन अगर इस युद्ध में अमेरिका कूदा तो उसको तबाह या उससे बदला लेने के लिए भी प्लान बी तैयार कर लिया गया है और उसको एक्टिवेट करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है किम जोंग को। जहां किम जोंग पर लगातार अपने सारे मिसाइल और सारे परमाणु हथियारों का परीक्षण भी कर रहा है और उनकी जांच परख भी कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो फिर किम जोंग को पूरी आजादी होगी कि वो अमेरिका पर अटैक कर दे। देखिए रिपोर्ट। महत तबाही का वक्त करीब आया। अब किम जोंग ने दुनिया को डराया। परमाणु युद्ध का मंडरा रहा खतरा। सन की बनेगा युद्ध का नया चेहरा। एक तरफ रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की ठान रखी है तो अमेरिका और ब्रिटेन को भी अपने हथियारों से डरा रहा है। इधर जापान सागर में सन की सटक गई है और वो भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। सन की शासक किम जोंग ने नए परमाणु हथियार जुटाने का ऐलान कर दिया। एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किम फिर से करने जा रहा है, जिससे अमेरिका और जापान का दम फूलता जा रहा है। जोंग अपने आका के आदेश का इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है एक फोन कॉल का, जिसके बाद वो दुनिया को तबाह करने वाला बटन दबा देगा। और ये फोन कॉल किम जोंग को मॉस्को से आने वाला है। यदि अमेरिका और ब्रिटेन ने हिमाकत की तो जवाब चारों तरफ से दिया जाएगा। अमेरिका को तीन तरफ से जंग लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। महायुद्ध लड़ने को तैयार सन की। तीसरा विश्व युद्ध शुरू कराएगा किम। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब महायुद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने का पूरा प्लान बना लिया है। तानाशाह ने तय किया है कि साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिकी बेड़ा उसका पहला टारगेट होगा और अमेरिका के पैसिफिक फ्लीट को तबाह करने के लिए किम जोंग नए हथियारों का इस्तेमाल करेगा। परमाणु युद्ध शुरू कराएगा किम। किम के जखीरे में आधुनिक मिसाइल। अभी चंद दिन ही बीते हैं जब किम जोंग ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था
और ये बता दिया था कि अब उसके पास इतने परमाणु हथियार हैं कि अमेरिका जैसे देश भी खौफ खाने लगा है। लेकिन अब किम जोंग अपने हथियारों के बेड़े को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के बाद अब किम जोंग एक और परमाणु डिवाइस के परीक्षण के लिए तैयार है। पिछले गुरुवार को ही किम जोंग ने घातक मिसाइल को टेस्ट किया था। उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफल रहा और इस मिसाइल ने अपने टारगेट पर अचूक वार किया है। वांगसोंग 17 नाम की यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर अमेरिका में हमला करने में सक्षम है। किम जोंग दावा कर रहा है कि वो हथियारों को अपनी सुरक्षा के लिए टेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि दुनिया के खतरों से अपने मुल्क को बचाने के लिए वो एटॉमिक हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। लेकिन सच ये है कि किम जोंग हमले की तैयारी कर रहा है। किम को पुतिन के आदेश का इंतजार, जिनपिंग भी करेगा यूएस पर प्रहार। दरअसल पुतिन ने किम जोंग को आदेश दिया है कि यूक्रेन में यदि अमेरिकी सेना जंग के लिए उतरती है तो किम जोंग जंग का दूसरा फ्रंट खोल दे ताकि अमेरिका को दो तरफ से घेरा जा सके। पुतिन और किम की प्लानिंग में जिनपिंग भी शामिल है। यदि अमेरिका और रूस आमने सामने आए तो अमेरिका के खिलाफ तीसरा फ्रंट चीन खोलेगा जो साउथ चाइना सी से जंग की शुरुआत कराएगा। तीन ताकतवर देशों की तिकड़ी ने बाइडेन की टेंशन बढ़ा दी है। यही कारण है कि बाइडेन बंदर घुड़की तो देते घूम रहे हैं लेकिन यूक्रेन में सेना उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आज हमने आपको वंदे मातरम में बताया व्लादिमीर पुतिन के थ्री लेयर प्लान के बारे में, कैसे उन्होंने अपने सभी हथियारों का परीक्षण कर लिया है। मैं सुमित चौधरी इस समय मॉस्को में मौजूद हूं, जहां पर मौसम बेहद ठंडा है लेकिन माहौल बेहद गर्म है। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लगातार ना सिर्फ आपको यूक्रेन से ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं बल्कि मॉस्को से भी उन सभी स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रहे हैं जो यहां से यूक्रेन युद्ध में तय की जा रही है। आज वंदे मातरम में इतना ही। एक बार फिर आपसे कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए जी हिंदुस्तान।